13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए करीब 350 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, और इस हमले के बाद से इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब ईरान को जरूर देगा। लेकिन अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल के एक भी हमले का जवाब चंद सेकंडों में दिया जाएगा। दरअसल ईरान की इस धमकी को लेकर IRGC ने एक वीडियो रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ईरानी सेना इसराइल के हमले की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में ईरानी मिसाइलें आसमान में इसराइली मिसाइलों पर हमला करती हुई दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में ईरान के दुश्मनों के लिए एक संदेश दिया गया है। वीडियो में कहा गया है कि हम इसका कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंतजार कर रहे हैं, हमारे रेडार करीबी से निगरानी में हैं, हम आग से आग की तरह ही लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने भी इसराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक भाषण में रायसी ने संकेत दिया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक सीमित कार्रवाई थी। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर ईरान इसराइल के खिलाफ एक व्यापक ऑपरेशन करने का निर्णय लेता है तो कब्जे वाले इसराइल का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के हितों के खिलाफ इसराइल की एक भी उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. بعد صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. بعد از طوفان الاقصا حقیقتاً وعده صادق هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت و ثابت کرد قدرت رژیم صهیونیستی و حامیانش قدرت تار عنکبوتی است. आपको बता दें कि इसराइल को इस धमकी के साथ साथ रायसी ने मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों को भी साधने की कोशिश की है। रायसी का कहना है कि इलाके में देशों को अपने खुद के संसाधनों और सेना पर निर्भर रहना चाहिए, न कि इजरायली सरकार के ऊपर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने अपने बयान में आगे कहा कि यहाँ पर विदेशी ताकतों की कोई जरूरत नहीं है। रायसी ने इन देशों को ईरानी सेना के ऊपर विश्वास करने की अपील की है। रायसी का कहना है कि ईरानी सेना इलाके में शांति ला सकती है। من به کشورهای منطقه عرض می کنم نیروی نظامی ما، نیروهای مسلح ما، ارتش و سپاه ما امنیت سازند، صلح آفرینند، موجب افتخار و اقتدار برای منطقه اند و نیروی کاملا قابل اتکا هستند. به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی و قمار کردن با اسب بازنده اتکا کنید به داشته های خودتون، اتکا کنید به نیروهای مسلمان و اتکا کنید به ارتش و سپاه قدرتمند ما. आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति का ये इशारा इराक, सीरिया और जॉर्डन की तरफ था। इन तीनों ही देशों में अमेरिकी सेना के अड्डे हैं
जो इसराइल की मिडिल ईस्ट में मदद करने और रक्षा करने के लिए तैनात हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस सभा में राइसी ने ये बयान दिए, उस सभा से पहले ईरानी सेना की चारों शाखाओं ने अपनी अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाई है। ईरानी फौज ने यहाँ पर आयोजित एक मिलिट्री परेड में अपने एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए इसराइल को दो टूक कह दिया है कि वो इसराइल के किसी भी हमले के लिए तैयार है।